हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमिगोस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक
की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रित चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिकाम कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा। कल्याण राम कार्यवाही को कंता देने की
गंदा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तय की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चरित्र चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई है। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पार्सल ने लिटी रेडियो पर्सनालिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए।
जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थ, मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व। ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी, नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त तो होता है, जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू, माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चरित्र चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल
भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है, जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू, माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं।
जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1, 2, 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल विन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमिगोस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल
निकोडेमस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चरित्र चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पार्सल ने लिटी रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के
एन आई ए से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थम, मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व। ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी, नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त तो होता है जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तय की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू, माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चरित्र चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है।
सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट डोपेल .com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया
ठहराया। फिल्में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट डोपेल .com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमिगोस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है, जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें
दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रित चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में
आशिका रंगनाथ एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी, नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमी गोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने
के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व ब्रह्मा जी और सप्तगिरी कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी लेकिन यह पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डिस्क्रिप्शन के बारे में तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा। कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है लेकिन अंततः एमिगोस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक
की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा। कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा। कल्याण राम कार्यवाही को कंता देने की
गंदा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंड ट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त तो होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तय की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चरित्र चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए।
जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियार डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थ, मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है, जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू, माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चरित्र चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमूरी कल्याण राम ने ट्रिपल
भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डिस्क्रिप्शन के बारे में तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू, माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं।
जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1, 2, 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियार डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमिगोस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है, जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल
निको डिमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रित चित्रण देखने देने की कोशिश की है लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट doppel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पार्सल ने लिटी रेडियो पर्सनालिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियार डीलर बिपिन रॉय है जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के
एनआईए से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमूरी कल्याणराम, सिद्धार्थम, मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंड ट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू, माइकल और सिद्धार्थ को अलग-अलग चरित्र चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी, सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई है। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है।
सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट doppel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमूरी कल्याणराम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया
ठहराया। फिल्में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट doppel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमिगोस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है, जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है। यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें
दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तय की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रित चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी की प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट डोपेल .com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पार्सल ने लिटी रेडियो पर्सनालिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में
आशिका रंगनाथ एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी, नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने
के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व ब्रह्मा जी और सप्तगिरी कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है लेकिन अंततः एमिगोस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतार्य नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल कड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तक
की है और इस एमिगोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चित्रण देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1-2-3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा। कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई है। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो पर्सनैलिटी गर्लफ्रेंड ईशिका को उससे प्यार हो जाए। जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी कल्याण राम, सिद्धार्थ मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। ईशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा। कल्याण राम कार्यवाही को कंता देने की
खुदा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमंस ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमुरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। विपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तय की है और इस एमी घोष में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग-अलग चरित्र चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। ईशिका ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमिगोस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमिगोस एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजेंद्र रेड्डी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें नंदमुरी कल्याण राम ने ट्रिपल भूमिका निभाई है, जबकि आशिका रंगनाथ, ब्रह्मा जी सप्तगिरी और कल्याणी नटराजन ने सहायक भूमिकाएं निभाई है। वही बात करें मूवी के प्रीमाइस के बारे में, तो सिद्धार्थ हैदराबाद में रहने वाले एक बिजनेसमैन है। वह हमशक्ल की अवधारणा से प्रभावित है और अपनी हमशक्ल की तलाश करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, वह एक नहीं बल्कि उनमें से दो को एक वेबसाइट dopel.com के माध्यम से पता है। मंजुनाथ हेगड़े बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोलकाता से माइकल वेन सभी एक दूसरे से मिलने के लिए गोवा जाते हैं और जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। सिद्धार्थ मंजुनाथ और माइकल की मदद लेता है ताकि रेडियो रेडियो पर्सनालिटी गर्लफ्रेंड इशिका को उससे प्यार हो जाए।
जब तक सिद्धार्थ और मंजुनाथ को पता नहीं चलता कि माइकल वास्तव में कुख्यात हथियारा डीलर बिपिन रॉय है, जो NIA द्वारा मोस्ट वांटेड है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। खतरे और झूठ के जाल में उलझे सिद्धार्थ और मंजुनाथ दोनों ने माइकल के NIA से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने के दुष्ट मनसूबों को विफल करने के लिए टीम बनाई है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमूरी कल्याण राम, सिद्धार्थ, मंजुनाथ हेगड़े और माइकल के रूप में एक ट्रिपल भूमिका में है। इशिका के रूप में आशिका रंगनाथ, एक रेडियो व्यक्तित्व, ब्रह्मा जी और सप्तगिरी, कल्याणी नटराजन और जयप्रकाश हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिसेप्शन के बारे में, तो द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा, कल्याण राम कार्यवाही को कंधा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लेखन बेहतर होता तो यह एक मनोरंजक थ्रिलर ड्रामा हो सकता था। गिबरन का साउंडट्रैक कुछ नाटक जोड़कर है, लेकिन अंततः एमी गॉस एक दिलचस्प विचार के लिए रूप में समाप्त होता है, जो करता है उतारिय नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निको डेमन्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर नंदमूरी कल्याण राम की अभिनय क्षमता और उपस्थिति एक्शन और कॉमेडी के स्पर्श के साथ इस एक्शन थ्रिलर को भागों में काम करते हैं। बिपिन का उनका पोर्टल खड़ा है, यह एक संपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। इंडिया टुडे के लता श्रीनिवासन ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, शुरुआत में कहानी दिलचस्प है और बिंबिसार में दोहरी भूमिका निभाने की सफलता को देखते हुए कल्याण राम ने अतिरिक्त मील की दूरी तय की है और इस एमी गोस में तीसरी भूमिका निभाई है। निर्देशक राजेंद्र रेड्डी ने तीनों पुरुषों मंजू माइकल और सिद्धार्थ को अलग अलग चरित्र चित्रण देखने देने की कोशिश की है, लेकिन वह केवल माइकल के साथ सबसे अधिक सफल हुए हैं, जो प्रदर्शन की गुंजाइश रखते हैं। 1 2 3 तेलुगु ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर एमिगोस एक हद तक काम करते हैं और कल्याण राम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाता है। इशिका, ब्रह्मा जी और अन्य ने अपनी भूमिकाओं को सही ठहराया। फिल्म में वास्तव में अधिक गुंजाइश थी, लेकिन यह थी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ अच्छा है और फर्स्ट हाफ औसत के से कम है, इसलिए इस सप्ताह के अंत में एमिगोस एक ठीक ठाक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।